तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड स्वागत है आपका और एक नए एपिसोड पे। तो भाई, आज का व्लॉग बहुत ही यूनिक होने वाला है एंड हम लोग एक ऐसा प्लेस पे जाने वाले हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ भाई, मतलब गूगल में आप या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो, ऐसा कहीं भी व्लॉग देखने नहीं मिलेगा। तो ये मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आज थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने चेकआउट कर ही लिया। तो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं वैष्णो देवी टेम्पल, जो कि लोकेटेड है गुवाहाटी सिटी में एंड ये ऑलमोस्ट बोरा गांव बोल के एक प्लेस है जो कि गौशाला में है मालीगांव। एंड वहां पे आज विजिट करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे वो टेम्पल को। तो वो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल टेम्पल है, उसका मैंने गूगल पे फोटोज़ वगैरह चेकआउट किया था बट यूट्यूब पे भाई कोई उसको एक्सप्लोर नहीं किया है एंड कोई व्लॉग नहीं डाला है। आप अभी भी सर्च कर सकते हो वैष्णो देवी टेम्पल गुवाहाटी बोल के, तो उसमें भाई आपको बस मिलेगा गुवाहाटी टू वैष्णो देवी मंदिर जो कि जम्मू में है, वही व्लॉग देखने मिलेगा। बट गुवाहाटी में जो सी में जो लोकेटेड है वैष्णो देवी टेम्पल, उसका एक्सप्लोर भाई किसी ने नहीं किया। तो ये फर्स्ट व्लॉग मैं ही कर रहा हूँ उसको, वो टेम्पल को एक्सप्लोर। तो चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। एंड भाई मेरे को बहुत ही लकी फील हो रहा है कि फर्स्ट एक्सप्लोर जो रहेगा वो मैं कर रहा हूँ मेरे चैनल के थ्रू से। एंड बहुत लोग भाई अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं बट मैं आज पहली बार वो वाला टेम्पल को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। तो भाई इसके लिए एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं एंड लोकेशन वगैरह क्या रहेगा सब आपको ब्लॉग में दिखने मिलेगा, तो ब्लॉग पे बने रहना एंड अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अभी एंड दिखाते हैं आप लोगों को एंड पूरा ए टू जेड दिखाएंगे वहाँ का व्यू वगैरह एंड कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलते हैं एंड दिखाते हैं आप। तो गाइज हम लोग 5 जन जा रहे हैं एंड एक एक करके मिलाते हैं। ये रहा जैकी जो बाइक पे है एंड ये है आदित्य एंड इसका भी बाइक वगैरह अभी पॉलिशिंग वगैरह होगा, तो देन इसके बाद हम लोग निकलेंगे एंड अभी चलते हैं भाई पेट्रोल पंप बिकॉज फ्यूल अप कराना है। फिलहाल न्यू जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से जा रहे हैं एंड सारा मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों को। वैसे तो मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा बट फिर भी मैं जाने का भी रास्ता आपको दिखा दूंगा। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल हम लोग शॉर्टकट लेके जा रहे हैं जो कि मालेगांव की तरफ से डायरेक्ट गौशाला चारियाली तक पहुँचता है। तो चलते हैं एंड ये शॉर्टकट बहुत ही जल्दी है, मतलब 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स होगा यहाँ से गौशाला चारियाली। एंड ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि मालेगांव ब्रांच का है एंड यहाँ पे झंडा वगैरह देख सकते हो, क्या चीज़ का पता नहीं मेरे को। एंड ये वाला देखो भाई, ये ओवर ब्रिज है जहाँ से ऊपर से ट्रेन एंड नीचे से टनल जाता है एक छोटा सा। तो गाइस फाइनली पहुँचने वाला है एंड यहाँ का रास्ता वगैरह देख सकते हो एकदम क्लीन है एंड ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है। एंड ये है चारियाली, यहाँ से लेना पड़ेगा अभी हम लोग को लेफ्ट पूरा एंड फाइनली देख सकते हो अभी फ़िलहाल गौशाला हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड सामने जो गेट दिख रहा है आपको बड़ा सा, ये है गौशाला का मेन गेट एंड यहाँ से जो गली जाता है ये गली पकड़ के हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर टू 1.5 किलोमीटर साइड चलना पड़ेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई ये वाला गौशाला। एंड गाइज जब आप जाओगे तो भाई आपको एक कुछ ऐसा टाइप का व्यू देखने मिलने वाला है, ये पहाड़ टाइप का व्यू सामने की ओर देख ही सकते हो। ये बोरा गांव का पहाड़ है भाई, जो लोग बोरा गांव से रहते हैं तो वो लोग समझ पाएंगे। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है भाई यहाँ से पहाड़ वगैरह। एंड अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट थोड़ा ही दूर है भाई वैष्णो देवी टेम्पल, तो पहुँचने ही वाले हैं एंड जाके दिखाते हैं। वैसे टाइमिंग वगैरह का थोड़ा इशू हो सकता है मेरे को लग रहा है बिकॉज सुबह से 7 बजे से लेकर 1 बजे तक खुला रहता है एंड फिर 1 बजे से बंद रहता है, फिर 4 बजे से खुला रहेगा एंड आपको डायरेक्ट 7 बजे तक खुला रहेगा। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल, शायद बंद वगैरह ना हो जाए इसीलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा हम लोगों को। ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं ऑलरेडी एंड जाते जाते भाई बहुत ही टाइम निकलने में ही 12:30 बज गया था, जाते जाते और भी टाइम लग गया था। तो अभी
एक तो पारी हो गया होगा मेरे श्योर भाई, अभी बंद ही हो गया होगा टेंपल वगैरह। तो देखते हैं, अगर बंद हो गया होगा तो कहीं और चलेंगे, घूमेंगे, फिर बाद में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो आगे का दिखा दूंगा, बिकॉज़ अंदर तो अलाउ नहीं रहेगा। तो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे और एक तो स्कूल भी है, नेपाली बोल की स्कूल है, एंड ये गोरखा स्कूल है शायद। एंड गाइज, यहाँ पे पार्किंग वगैरह का थोड़ा इशू है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ही पार्क कर दिया। एंड ये रहा वैष्णो देवी टेम्पल, वैसे तो बाहर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, अंदर भी भाई मेरे को पता है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलते हैं एंड धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। ये देख सकते हो, देवकोटा नगर वेस्ट बोरागांव, एंड ये रहा एंट्रेंस गेट। तो यहाँ से चलते हैं अभी, एंड यहाँ पे भी साइन बोर्ड दिया है, एंड ये जगह का नाम है देवकोटा नगर वेस्ट बोरागांव, जो कि गुवाहाटी में है, गौशाला से थोड़ा आगे। एंड ये तो गाइस, मंदिर के अंदर एंटर करने से पहले कुछ नोटिस वगैरह, तो यहाँ पे मोबाइल फोन्स लेदर आइटम्स अलाउ नहीं है अंदर, एंड कुछ भी लेके नहीं जा सकते, मतलब वीडियोग्राफी अंदर का देखने नहीं मिलेगा आप लोगों को, बट बाहर से जितना हो सके मैं कवर करूँगा। एंड जब हम लोग मंदिर दर्शन करके बाहर आएंगे तब आप लोग को फीडबैक दे दूँगा। एंड यहाँ पे तो भाई अभी फ़िलहाल बंद है मंदिर वगैरह, तो टाइमिंग वगैरह भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना बजे से कितना बजे तक आना है। अभी फ़िलहाल गेट वगैरह देख सकते हो बंद है, तो शायद ये 4 बजे ही खुलेगा। एंड प्रॉपर टाइमिंग वगैरह आपको दिखा देता हूँ कि कितना टाइमिंग से कितना टाइमिंग तक रहना पड़ता है यहाँ पे। तो चलते हैं एंड आप लोगों को दिखा देते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पाँव वगैरह धोने के लिए, एंड टाइमिंग देख लो 7 AM to 1 PM एंड 4 PM to 7-8 PM, तो ये टाइमिंग था। एंड यहाँ पे पाँव वगैरह धो के अंदर जाना पड़ता है, ये रूल है भाई। एंड अभी फ़िलहाल वेट कर, तो गाइस 4 बजने में 1 घंटा बाकी था, तो हम लोगों ने सोचा कि राम मंदिर है जो कि सामने ही है वैष्णो देवी टेम्पल का, तो एक बार विज़िट कर लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे विज़िट करके फिर हम लोग चले जाएंगे 1 घंटे बाद वैष्णो देवी टेम्पल पे। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी फ़िलहाल गेट खुलने ही वाला है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट बाकी है 4 बजने में, तो गेट खुलने के बाद आपसे मिलते हैं। एंड यहाँ पे व्यू देख सकते हो भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, ऐसा सीन आपको देखने मिलेगा अगर आप टेंपल पे आते हो तो, एकदम पीसफुल। गाइस यहाँ पे हैंड वॉश करते हैं, देन उसके बाद फुट वॉश करते हैं, देन उसके बाद अंदर एंटर करेंगे। वैसे अंदर भाई अलाव वगैरह नहीं है, मतलब कैमरा वीडियोग्राफी कुछ अलाव नहीं है, तो भाई बाहर आके फीडबैक देता हूँ आप लोगों को। गाइस दर्शन वगैरह हो गया, एंड बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके, तो चलते हैं अभी नीचे जाते हैं एंड वहाँ से एक बार व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। गाइस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, अभी यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। तो ये है वैष्णो देवी टेंपल का व्यू ऑल ओवर, एंड लोकेशन देखो भाई, ऐसा लोकेशन में मतलब पहाड़ वगैरह में है। तो गाइस यही था व्लॉग, अंदर जाने का मौका नहीं मिला बिकॉज कैमरा एंड वीडियो दोनों अलाउ नहीं था, बट मेरे को एक्सप्लोर करना था कि ये प्लेस कैसा है, एंड अंदर जाके भाई बहुत ही अच्छा लगा भाई, मेरा खुद का फीडबैक मैं दे रहा हूँ। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको भी यहाँ आना चाहिए, ये अनएक्सप्लोर था, मैंने एक्सप्लोर कर दिया एंड बहुत ही अच्छा लगा भाई एक्सप्लोर करके। तो आप लोग भी अगर देख रहे हो तो आप आ सकते हो गुवाहाटी के, एंड फुल ब्लॉग में तो आप लोगों ने लोकेशन वगैरह चेकआउट कर ही लिया। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड ऑलवेज जीमा एंड फ्लाई, बाय बाय।